मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आवाजों की इस भीड़ में नस्लों को कत्ल करने का जब जब मंसूबा बनाया जाता है तो आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले तय होती हैं। और आइए आवाजों की इस भीड़ में एक बात का सबूत पेश करें कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए आप हमें अपनी जिंदगी का सबूत देना है, एक नौजवान शायर का इस्तकबाल करना है, आवाज देना चाहता हूँ मऊ से तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर जनाब फारूक दिलकश को। हाजरीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। मेरे बहुत ही अजीज, मेरे करम फरमा मोहतरम नदीम फर्रुख साहब, जिनके तवस्सुत से मेरी हाजिरी हुई। बगैर किसी तमहीद के मैं यहां से सिर्फ एक मतला पेश करता हूं। अभी मेरे बड़े भाई फैसल साहब ने किसी शैतान मलून के हवाले से उन्होंने शेर पढ़ा, मैं भी कोशिश करूंगा पढ़ने की। उससे पहले एक मतला आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत कर रहे हैं मोहतरम जनाब अबू आसिम साहब, उनके हवाले से जिनके नाम से यह आज की शाम मंसूब है, मोहतरम मुलायम सिंह जी यादव, जो आज के मुशायरे की शाम जिनके नाम से मनाई जा रही है। सिर्फ एक मतला पेश करता हूं और पूरा मजमा मेरी इस मतले की तायद करेगा। नदीम भाई सुनिएगा कि आसिम के सिपाही जब आवाज उठा देंगे, सुनिएगा कि आसिम के सिपाही जब आवाज उठा देंगे, आसिम के सिपाही जब आवाज उठा देंगे, आसिम के सिपाही जब आवाज उठा देंगे, दिल्ली में मुलायम की सरकार बना देंगे। क्या कहना सरकार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। आइए चार मिसरे और पेश करता हूँ बतौर खास मिलाद फरमाए। एक एक शख्स की दुआएं चाहिए इस मिसरे पे मुझे बतौर खास। बहुत से शुरा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब, ताहिर फराज साहब, मोहतरम अल्ताफ जिया साहब, वाहिद अंसारी साहब, मिसम साहब, बहुत से शुरा इकराम हैं और तबारुक हुसैन साहब मेरे अजीज हैं। सबके हवाले से पेश करता हूँ मतला। एक एक शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए, मैं पेश करता हूँ मतला मुलाजा फरमाए कि हम इश्क मोहब्बत में घर बार लुटा देंगे, 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 आचाई जो आका पे, आचाई जो आका पे दुनिया को हिला देंगे, आचाई दुनिया को हिला देंगे। अभी फैसल भाई ने पढ़ा था उस शैतान का नाम लिया, मैं भी उस मलून का नाम लेता हूं और एक एक शख्स की ताई चाहता हूं। समाप्त करेंगे कि कमलेश जरा सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, कमलेश जरा सुन ले, औकात में बातें कहे, कमलेश जरा सुन ले, औकात में बातें कहे, कमलेश जरा सुन ले, औकात में बातें कहे, आ जाए अगर जिद पे, आ जाए अगर जिद पे, नस्लों को मिटा देंगे,
आजा जिद पे नस्लों को मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिरीन। अभी मेरा छोटा भाई अरकम अभी आपके आपसे रूबरू था, अभी माँ के हवाले से कुछ अशार आप तक पहुँचाए। मैं भी चार मिसरे माँ के हवाले से पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ लाजमी। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, क्या कहना, शेर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा कि ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल हर के आंचल से अच्छा गए। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, ऐ प्यारी माँ तेरा चले घर के आंचल से अच्छा गए। ऐ प्यारी माँ तेरा चले घर के आंचल से अच्छा गए। लगा दे जो मुझे काजल, लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा गए। लगा दे क्या कहना, क्या कहना काजल। और हाजरीन जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा वो शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। अगर एक टाट पर पांचो, अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही गए तू, अगर एक टाट पर पांचो, अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही गए तू, अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही कसम अल्लाह की बोटा के हर मखमल से अच्छा गए। कसम अल्लाह की बोटा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। आइए यहाँ से मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजफ। मैं मेरे बहुत ही मोहतरम आरिफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है सदर मौजूद जी। किए देनों का ये निशा, सुनिएगा दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, संजीदगी के साथ अगर आप सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, सुन लीजिए। किए देनों का ये निशा जुल्मो शर का पुतला गए, अरे ऐ देना का ये निशा जुल्मो शर का पुतला गए, ऐ देना का ये निशा कि ऐ देना का ये निशा, ऐ देना का ये जुल्म शर कपुतला गए, शक्ल आदमी की है, अरे शक्ल आदमी की है, फितरतन दरिंदा गए, शक्ल आदमी की है। और ये भी शेर मुलाजफ माले कि हमको उसकी रहेंगे मत पे आज भी भरोसा गए, हमको उसकी रहेंगे मत पे कि हमको उसकी रहेंगे मत पे आज भी भरोसा गए। ऐ देनों का ये निशा कि आज भी शहीदों की आ रही है आवाज़ें,
आज भी शहीदों की, कि आज भी शहीदों की आ रही है आवाज़ें। अरे हमने बदर का मैदान, अरे हमने बदर का मैदान, दुश्मनों से जीता गए हमने बदर का मैदान। और ये भी शेर मुलाजा करें कि परचम में खुदा ले गए, जब निकल पड़े घर से परचम में खुदा ले गए, कि परचम में खुदा ले गए, जब निकल पड़े घर से। अरे हमने ये नहीं सोचा, अरे हमने ये नहीं सोचा, रास्ते में दरिया गए हमने ये नहीं सोचा। और ये भी शेर अगर सच्चा लगे तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हाजिर करता हूँ, लिहाजा करें कि खून में गमारे गए मुल्क की वफादारी, खून में हमारे गए कि खून में गमारे गए मुल्क की वफादारी, ये वतन बताएगा, अरे ये वतन बताएगा, किसने राज बेचा गए ये वतन बताएगा, किसने राज बेचा गए ये बात बताएगा, कि बामों दर लौटाते गए प्यार का हसी तोहफा, बामों दर लौटाते गए कि बामों दर लौटाते गए प्यार का हसी तोहफा। अरे इस रह गए मोहब्बत से, अरे इस रह गए मोहब्बत से, जान कौन गुजरा गए इस रह गए मोहब्बत से। आइए हाजिर एक गजल के दो तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी यारी भाई का हुक्म है, एक नज्म का मुझे हुक्म मिला है, मैं यहाँ से मतलब पेश करता हूँ। अब यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितनी दुआओं से आप मुझे नवाजते हैं। सदरे मतलब हाजिर करता हूँ, मिलाजा करें कि अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर पे कुर्बान गए, अल्लाह हू अकबर पे कुर्बान गए, आदम औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर जिंदाबाद। अब यहां से पहला बंद पेश करता हूं, लाजा करें कि नील में डूबा,
कि नील में डूबा किसका लश्कर याद करो, पार हुए गए कैसे पयंबर याद करो, नील में डूबा किसका लश्कर याद करो, पार हुए गए कैसे पयंबर याद करो, किसने किसको मारा पत्थर याद करो, हाँ उस नमरूद का मंजर याद करो, नील में डूबा किसका लश्कर याद करो, हकन किसे बर्बाद किया गए, हकन किसे बर्बाद किया गए, और किसे आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर जिंदाबाद, हम दिल में सिद्दीक सी हिम्मत रखते गए, बाजों में फारूक सी ताकत रखते गए, लहजे में उस्मान सी रंगत रखते गए, लहजे में उस्मान सी रंगत रखते गए, हैदर की आवाज में सेंगत रखते गए, हम दिल में सिद्दीक सी हिम्मत रखते गए, बाजों में फारूक सी ताकत रखते गए, क्या हमसे अब जीत सकेगा, क्या हमसे अब जीत सकेगा, अमरीकी सरदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजफ मैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, कि किसको उस मेराज का दर्जा हासिल गए, मेराज का वाक्य जहन में रखें और ये बंद मक्ते की शक्ल में मुलाजफ मैं, कि किसको उस मेराज का दर्जा हासिल गए, किसको को गे तूर का जलवा हासिल गए, किसको किसको मनलो सलवा हासिल गए, किसको दहकती आग में जीना हासिल गए, किसको उस मेरा जिकदर जागा सिल गए, किसको को गे तूर का जलवा हासिल गए, जितनी ये तारीख दिलकश कर लो सबको याद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर जिंदा। क्या कहना क्या कहना।